सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। देश की शान अंकुर मित्तल और मनोज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भी लगातार अपने सवाल पूछ रहे हैं कॉल करके, दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। अंकुर, सवाल एक आपसे अब ये था कि जिस तरीके से हम अगले टारगेट की बात कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? टारगेट हमेशा एक एथलीट का, मेरे हिसाब से हमेशा ओलंपिक का गोल्ड ही रहता है। उसकी तो तैयारी चलती ही रहती है, पर साथ ही साथ अब अपकमिंग जो आ रहा है वो एशियन गेम्स आ रहे हैं और उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं। और जिस हिसाब से पिछले साल जो मेरा परफॉर्मेंस रही थी, तो मैं चाहूँगा कि इस साल भी मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए देश के लिए और मेडल लेके आऊँ। वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, हाँ जी, तो उम्मीदें फिर आपसे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, पिछले साल मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर आया था, तो कोशिश रहेगी कि उस सिल्वर मेडल को मैं एक बार गोल्ड में तब्दील करूँ। दिल्ली से शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से शिखा, बहुत बहुत स्वागत है, पूछे अपना सवाल। जी, मेरा सवाल मनोज जी से है। जी मनोज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर, मेरा सवाल ये है कि पुरुष बॉक्सर्स को जैसे मोटिवेट किया जाता है हमारे समाज में, वैसे ही महिला भी बॉक्सिंग बड़ी अच्छी करती हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन बड़ा अच्छा किया है अपने इसमें, तो क्यों उनको ज्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता है? मोटिवेट करते तो हैं, आप देखिए मैरी कॉम और छोटे छोटे जिलों से, डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां निकल के आ रही हैं, सभी मेडलिस्ट हैं। चाहे लड़कियों की तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है, अभी चार लड़कियां थी, कोई हरियाणा से थी, मणिपुर से थी, आसाम से थी, तो सबके तकरीबन अच्छे रिजल्ट थे। ये बात नहीं है कि लड़कियों को प्रमोट नहीं कर रहे, लड़के दोनों एक समान हैं। तो लगातार सवाल का सिलसिला जारी है और लोग हमसे सवाल भी कर रहे हैं। इस कड़ी में आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि फेसबुक के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो भी आपसे पूछेंगे। लेकिन मनोज, एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये बॉक्सिंग का गेम है, क्या कंपटीशन पहले के मुकाबले बहुत टफ हुआ है? क्योंकि आपने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में भी आप गोल्ड जीत चुके हैं दिल्ली में, ये जो जर्नी है इसमें अब से स्थिति क्या है इस वक्त? देखिए, बॉक्सिंग में कंपटीशन पहले से टफ ही हुआ है और पहले भी टफ था, स्टार्टिंग में भी टफ था, लेकिन जिस टाइम ओलंपिक में मेडल आया विजेंद्र का, तो उस टाइम से और ज़्यादा बढ़ गई जागरूकता। और फिर उसके बाद 2010 में जैसे देखने को मिला यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग देखी लोगों ने, तो उसके बाद से लोगों को पता चला बॉक्सिंग क्या है, क्योंकि टीवी पे दिखी तो सब और ज़्यादा जागरूकता आई। 2010 से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स से, क्योंकि लोगों को यहाँ पे टीवी पे पर्दे पे देखने को मिली, सभी कोई किसी के क्षेत्र से था, कोई किसी के क्षेत्र से, तो क्षेत्र क्षेत्र का देख के, मतलब अपने क्षेत्र का देख के, अपने हरियाणा का भाई, अपने दिल्ली का, अपने पंजाब का, अपने, तो सब खिलाड़ी ऑल ओवर थे इंडिया टीम में, तो सबको देखने के बाद एक अलग जागरूकता मिली अपने घर में देख के लोगों को। कुछ यहाँ पे लाइव देख रहे थे दिल्ली के अंदर। चंडीगढ़ से इनाया हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत है इनाया। पहले तो मैं दोनों को बहुत, मनोज आपको और अंकुर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, आपने जो वहाँ पे गौरव बढ़ाया भारत का उसके लिए। और मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है कि खिलाड़ी जो है अपना प्रदर्शन इतना अच्छा करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है जो सरकार की तरफ से उनका मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। जी, ऐसा नहीं है कि सरकार से मदद नहीं मिल पाती है, सरकार अपने बिहाफ पे पूरा अच्छा करती है। जैसे हम जाते हैं इंटरनेशनल कोई भी कंपटीशन के लिए, तो पूरा मेरे हिसाब से पूरा योगदान रहता है सरकार का, वो फेडरेशन का, कि जो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से प्रोवाइड कराती हैं, शूटिंग में तो खासकर सब कुछ मिल ही रहा है। और मेडल के बाद जो धनराशि की बात है वो हाँ कहीं ना कहीं डिले होता है, पर दो एक डेढ़ साल में जितना टाइम लगता है जो सरकारी प्रोसीजर है उसमें जो लगता है, बाकी ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पाती है। मनोज, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सारा काम सरकार नहीं, हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे मामा जी, आजकल तो लोगों में देखो राजनीति, जातिवाद, धर्मवाद सब कुछ आया हुआ है, कोई किसी की इंसानियत ही नहीं रही आजकल किसी इंसान में,
तो इंसानियत के नाते मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं देखता था, मेरे मामा जी का गांव है जी, वहाँ पे मंदिर में लोग मेहनत करते थे कबड्डी के, बहुत अच्छे हरियाणा पंजाब की कबड्डी होती थी, अच्छे खिलाड़ी थे, तो वहाँ पे पूरा गांव उनको सपोर्ट करता था ठीक। लेकिन आज के दिन कोई देसी सी कहावत है जी जी, भाई भाई को पसंद नहीं, लुगाई लुगाई को पसंद नहीं मतलब कि कोई एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। तो अगर इंसानियत लोगों के लोगों में जागरूकता आए इंसानियत के महत्व से, मैं कहना चाहूँगा कि पूरा गांव जो जिस गांव से है या पूरा क्षेत्र, अगर किसी भी खिलाड़ी को या जो कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में फील्ड में अच्छा है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई गरीब है, तो उसको मैं जानता हूँ इंसानियत के नाते हम वैसे ही पैसे खर्च लेते हैं, 100-200 आम बात है, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा। लेकिन अगर कोई एक एक दो दो पाँच पाँच दस दस 200-200 की सपोर्ट से अगर किसी की भी इंसानियत के नाते हेल्प करे, तो मेरे ख्याल से वो भी बेनिफिट, उससे भी एक जागरूकता आएगी और हर क्षेत्र में विकास होगा। देश के लिए सोचते हैं हम, तो देश के लिए बोलना मुझे अच्छा लगता है, और ये देश के लिए ही मैं एक अच्छी सोच आपके आगे शो कर रहा हूँ कि हर काम सरकार का नहीं, सरकार पे छोड़ने से कुछ नहीं होता, सरकार कर रही है, वो जब करेगी तब करेगी, लेकिन इंसानियत हमारा भी एक फर्ज बनता है, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, ना कि आजकल जैसे कोई भी किसी को देख के राजी नहीं है, कोई अपनी जाति को महत्व कर रहा है, कोई किसी को, कोई किसी को, एक देश में फूट हो रही है। एक सवाल आपके लिए मनोज, एक सवाल आपके लिए आया, क्योंकि आपकी बात से लगता है कोई प्रभावित हो गया है। फेसबुक पर आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार है। देखिए, दुनिया के हर पहलू से निकला हुआ इंसान हूं मैं, मैंने दुनिया को करीब से देखा है, मुश्किलों को नज़दीक से देखा है, हर परिणाम से वाकिफ हूँ। रात को सड़कों पर भी सोया हूँ, 5-स्टार होटलों में भी सोया हूँ, हर क्षेत्र से, हर परिणाम से वाकिफ हूँ। तो अगर मुझे देश की सेवा करने के लिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में मौका मिलेगा, मैंने जो दुख दर्द सहे हैं, हर क्षेत्र में दर्द सहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं हर क्षेत्र में देश का विकास करूं। अगर मुझे जहां भी मौका मिलेगा, हर क्षेत्र में मैं देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ूंगा और पहल रखूंगा हर चीज में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, लोग समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। अंकुर, एक सवाल ये है यहाँ पर कि, और ये सवाल मेरा दोनों से पहले अंकुर मैं आपसे लेता हूँ कि जब कामयाबी मिलती है, जब सफलता मिलती है, लोग पूछते हैं, दुनिया पूछती है, नाम होता है, लेकिन जब कभी कभी असफलता मिलती है, वो दौर कैसा होता है? उस वक्त क्या घर का सपोर्ट मिलता है, बाहर जिस तरह के रिएक्शन होते हैं, किस तरह से आप हैंडल करते हैं एज ए प्लेयर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, जब कामयाबी मिलती है, जब मेडल्स आते हैं, जब तो सभी बधाई देते हैं, और जब कभी कभार कहीं मेडल से चूक जाते हैं तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत दुनिया बैठी है, उसी टाइम बस यही रोल घर वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमेशा मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, मेरे हिसाब से सब एथलीट्स के साथ जो भी रहे हैं, मेरे हिसाब से कहते तो घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है कि जो वो ये नहीं देखते कि हार जीत पे वो आपको निर्भर नहीं रखते कि आप जीत रहे हैं तो आपको मुबारक देंगे और हार रहे हैं तो आपको धुतकार देंगे, तो हमेशा उनके साथ घर वालों का ही रोल रहता है मेरे हिसाब से। कि बिल्कुल मनोज, क्योंकि आपने बड़ी परेशानियाँ देखी हैं, बेवजह के विवाद या कुछ चीज़ें हैं, उस वक्त में अपने आप को कैसे संभालते हैं? देखिए, मेरे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है मेरा परिवार। लोगों की टिप्पणियाँ आती हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लोगों का काम कहना है, लेकिन जो मेरे बड़े भाई हैं वो कभी ये नहीं बोलते कि ये हुआ या वो हुआ, वो सिर्फ एक ही पॉजिटिव बात बोलते हैं, भाई तू ये कर सकता है, तू ये कर नहीं सकता, तू ये करेगा। तो जहाँ करेगा, एक तो होता है भाई तू खेलेगा क्या रहेगा, और एक
होता है भाई, तू जीतेगा 101%, चाहे वो जीत ना मिले वहाँ, लेकिन अच्छा प्रदर्शन अपने से ज़्यादा आप पर भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मेरी सब कुछ है, वही मेरी प्रेरणा है और उन्हीं के साथ में चलता हूँ। रीना जुड़ गई है सिरसा से, बहुत बहुत स्वागत है रीना। सर मैं जानना चाहती हूँ कि आपने, आप दोनों ने जो ये जीत हासिल की है उसके बाद आप लोगों का शादी के लिए क्या विचार है? चलिए एक एक करके जवाब दे दीजिए। शादी का अभी तो ऐसे कुछ कुछ सवाल विचार नहीं है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो मेडल और जीतने हैं, देश का नाम रोशन करना है, उसके बाद सोचेंगे। चलिए मनोज, घरवाला छोरी देख रखी है, अरे वाह, दादा में ब्याह कर देंगे, एशियन गेम जाओ उसके बाद शादी करवा लेंगे। तो भाई अब ओलंपिक में मनोज जोड़े से जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मनोज ने एक जानकारी दे दी है, सर्दियों में उनकी शादी होने वाली है, समझ लीजिए। अंकुर कह रहे हैं कि अभी मेडल और जीतने हैं, तो ये जो तरीका है इसे आप समझ ही गए किस तरीके से भविष्य की योजनाएं भी बन रही हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।